देश में फ्रॉड या धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से व्हाट्सएप पर होने वाली धोखाधड़ी से सचेत रहने को कहा है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग व्हाट्सएप के जरिए लोगों को धोखा देकर ठगी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में लोग चैटिंग के लिए सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जालसाज भी व्हाट्सएप के जरिए धोखाधड़ी करने में जुट गए हैं। खुद पंजाब पुलिस ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। पंजाब पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम सेल ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे सावधान रहें। साइबर क्राइम सेल के मुताबिक नकली व्हाट्सएप आईडी का इस्तेमाल करके सरकार के नाम पर वसूली की जा रही है। साइबर सेल का कहना है कि यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1930 पर दी जाए। पंजाब में एक महीने से भी कम समय में ऐसे दो मामले सामने आ चुके हैं जिनमें धोखाधड़ी करने वालों ने खुद को वीवीआईपी बताया और लोगों को ठगने की कोशिश की। व्हाट्सएप के जरिए हो रही ये धोखाधड़ी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। जालसाज व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर भी फ्रॉड करते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें और अपनी निजी जानकारी के साथ ही बैंक डिटेल कभी भी साझा ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।